कोरोना से जंग चल रही है, आपको न्यूज चैनल से, अखबारों से खबर मिल रही होगी। तेलंगाना स्टेट में हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी तक 430 केसेस कोविड 19 के सामने आए हैं। 179 एक्टिव केसेस अभी हैदराबाद में हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए 6 डायग्नोस्टिक लैब में लगातार जांच चल रही है। दोस्तों, ऐसे मौके पे हर परिवार की ये ड्यूटी है, अपनी जिम्मेवारी को समझें, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। इस वायरस को रोकने में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा न खास्ते अगर आपको बाहर निकलना पड़े किसी इसेंशियल चीज के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब है कम से कम 5 फीट की दूरी दूसरे इंसान से मेंटेन करें। आने के बाद हाथ को सोप और पानी से जरूर धोएं। घर के बाहर निकलना बिल्कुल जीरो कर दें। आप अगर किसी हालत में इसेंशियल चीज के लिए अगर बाहर जाना ही पड़े तो मास्क या नकाब जरूर पहने। सिंपल कॉटन के मास्क से भी कुछ प्रोटेक्शन जरूर मिलता है। कंटेनमेंट जोन की आजकल बात चल रही है, ये आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए है। कंटेनमेंट का मतलब है बाहर के एरिया के लोगों को बचाना। कंटेनमेंट जोन की इज्जत जरूर करें। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, इस कंटेनमेंट जोन में लोग को नहीं जाना है। हमारे 2 कांस्टेबल कल रात रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी हुए। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। ये दोनों जवान आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रात को रोड पर ड्यूटी कर रहे थे। एक अनजान आदमी हाई स्पीड मोटरसाइकिल से इनको टक्कर मारा। आप सब मेरे साथ दुआ कीजिए कि हमारे ये दोनों कांस्टेबल ऑफिसर जल्दी ठीक हो जाएं। और दोस्तों, मैं एक बार फिर कहता हूं, मास्क यानी नकाब जरूर पहने। इसका मतलब है, मास्क का मतलब है आई प्रोटेक्ट यू, यू प्रोटेक्ट मी। दोनों लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं मास्क यानी नकाब पहनने से। सबके लिए नकाब जरूरी है। पहले लोग केवल खवातीन को कहते थे, लेकिन अब मैं दोनों को कहता हूं, मर्द को भी, औरत को भी, बच्चों को भी, बुजुर्ग को भी, निकलो न बेनकाब, माहौल खराब है। अगर नकाब सरकती है तो नसीब भी सरक सकती है। इस बात को जहन में जरूर रखें। जय हिंद।